असलम दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम उमेर है एंड वेलकम बैक टू माई चैनल मुझे खुशी है कि आप लोग साइबर सिक्योरिटी जॉब के बारे में जानना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी एक ग्रोइंग और एक्साइटिंग फील्ड है और ये उन लोगों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है जो साइबर थ्रेट से डेटा और नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने में पैशनेट होते हैं इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने में मदद करूंगा की आप दुबई में साइबर सिक्योरिटी की जॉब को कैसे हासिल कर सकते हैं मैं इस वीडियो में ये टॉपिक्स कवर करूंगा दुबई में साइबर सिक्योरिटी का स्कोप क्या है दुबई में साइबर सिक्योरिटी में काम करने के क्या फायदे हैं और इन जॉब्स के लिए कौन से स्किल्स और क्वालिफिकेशंस की जरूरत होती है साथ साथ दुबई में साइबर सिक्योरिटी की कौन सी टाइप्स की जॉब्स अवेलेबल हैं और इन जॉब्स को कैसे ढूंढा जाता है और उन पर अप्लाई किया जाता है सो विदाउट फर्दर आर डू लेट्स गेट स्टार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन दुबई दुबई दुनिया के मोस्ट डायनेमिक और इनोवेटिव सिटीज में से एक है विद अ डाइवर्स एंड मल्टी कल्चरल पॉपुलेशन इट इज अ ग्लोबल हब फॉर बिजनेस ट्रेड टूरिज्म एंड टेक्नोलॉजी इसलिए दुबई को बहुत से साइबर चैलेंजेस और रिस्क का सामना करना पड़ता है जिसकी वजह से इफेक्टिव और एफिशिएंट साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन एंड सर्विसेज की जरूरत होती है एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई की साइबर सिक्योरिटी मार्केट 2020 से 2025 तक 13.7 परसेंट की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऐसी बढ़ेगी और 2025 तक 2.7 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगी रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दुबई में साइबर सिक्योरिटी टैलेंट की बहुत ज्यादा डिमांड है और 2025 तक 13,000 साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी इसका मतलब ये है की दुबई में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा स्कोप है क्यूँकी वो मुख्तलिफील्ड में काम करने के मौके पा सकते हैं जैसा की गवर्नमेंट बैंकिंग हेल्थ केयर रिटेल हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन वगैरह चले अब बात करते हैं कि दुबई में साइबर सिक्योरिटी में काम करने के क्या फायदे हैं साइबर सिक्योरिटी में काम करके आपको बहुत से बेनिफिट्स मिल सकते हैं जैसा कि हाई डिमांड एंड सैलरी साइबर सिक्योरिटी दुबई का एक सबसे फेमस और वेल पेड प्रोफेशन है क्योंकि दुबई को बढ़ते हुए साइबर सिक्योरिटी रिस्क और चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है इंडी डॉट कॉम के मुताबिक दुबई में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की एवरेज मंथली सैलरी सिक्स दिरहम है सैलरी आपके एक्सपीरियंस स्किल्स सर्टिफिकेशन और एम्प्लॉयर पर भी डिपेंड करती है दूसरा बेनिफिट ये की करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साइबर सिक्योरिटी एक फास्ट पेस एंड इवॉल्विंग फील्ड स्टेंट लर्निंग एंड अडेप्टेशन दुबई में साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम करने से आपको मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज और प्रोजेक्ट से वाकफियत मिल सकती है जो आपकी नॉलेज और स्किल्स को बेहतर बना सकती है आपको दुबई में साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में अवेलेबल प्रोफेशनल्स के साथ नेटवर्किंग और ट्रेनिंग ऐसी भी फायदा हासिल हो सकता है नंबर थ्री जॉब सेटिस्फेक्शन एंड इम्पैक्ट साइबर सिक्योरिटी एक रिवॉर्डिंग एंड मीनिंग करियर है जो आपको लोगों ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम्स को साइबर थ्रेड ऐसी बचाने में मदद देता है दुबई में साइबर सिक्योरिटी में काम करने से आपको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट एंड प्राइड हासिल होता है जब आप इस सिटी की सिक्योरिटी और रेजिलियंस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं चले आप बात करते हैं की दुबई में साइबर सिक्योरिटी जॉब के लिए कौन से स्किल्स और क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है दुबई में साइबर सिक्योरिटी जॉब हासिल करने के लिए आपके पास टेक्निकल स्किल्स सॉफ्ट स्किल्स और क्वालिफिकेशन का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो आपकी कॉम्पिटेंसी और सुटेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करे दुबई में साइबर सिक्योरिटी जॉब्स के लिए आम तौर जरूरी स्किल्स और क्वालिफिकेशंस ये हैं टेक्निकल स्किल्स ये वो स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो आपको साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक मुख्तलिफ कामों और फंक्शन को अंजाम देने में मदद देते हैं जैसे की रेड डिटेक्शन इंसिडेंट रिस्पॉन्स विटी असिसमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग इनक्रिप्शन बाय वॉल कन्फिग्रेशन मालवे अनालिसिस वगैरह आप इन स्किल्स को फॉर्मल एजुकेशन ऑनलाइन कोर्सेज सेल्फ स्टडी या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के जरिए हासिल कर सकते हैं नंबर टू सॉफ्ट स्किल्स ये वो जनरल स्किल्स हैं जो आपको इफेक्टिवली कम्युनिकेट वर्क कोलेबरेटिवली सॉल्व प्रॉब्लम क्रिएटिवली मैनेज टाइम एफिशियटली एंड अडेप्ट चेंज सिचुएशन में मदद देते हैं साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सॉफ्ट स्किल्स ये है कम्युनिकेशन टीम वर्क क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिकल थिंकिंग अटेंशन टू डिटेल क्यूरियोसिटी एंड एथिक्स नंबर थ्री क्वालिफिकेशन जो आपके टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज को स्टैंडर्डाइज एग्जाम्स या असिमेंट के जरिए वेलिडेट करते हैं सम ऑफ दी पॉपुलर क्वालिफिकेशन फॉर Cybersecurity professionals are certifications, degrees, diplomas. और कोर्सेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस की कुछ एग्जांपल्स ये हैं कॉम टिया प्लस सर्टिफाइड एथिकल हैकर सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल एंड सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर दुबई में कौन सी टाइप की साइबर सिक्योरिटी जॉब्स अवेलेबल है साइबर सिक्योरिटी एक ब्रॉड और डायवर्स फील्ड है जो मुख्तलिफ डोमेन्स रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंक्लूड करती है आप अपने इंटरेस्ट स्किल्स एक्सपीरियंस और गोल्स के मुताबिक दुबई में अवेलेबल टाइप्स की साइबर सिक्योरिटी जॉब्स में से चूज कर सकते हैं दुबई में अवेलेबल साइबर सिक्योरिटी जॉब्स की कॉमन टाइप्स ये हैं। साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट ये एक रोल है जो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स और नेटवर्क्स की सिक्योरिटी पॉस्टर को मॉनिटर और एनालाइज करता है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट रिस्पॉन्सिबल होता है पोटेंशियल या एक्चुअल साइबर थ्रेट इंसीडेंट या ब्रिचेस को पहचानने और उनका रिस्पॉन्स करने में साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट रेगुलर ऑडिट और असिस्मेंट भी परफॉर्म करता है ताकि सिक्योरिटी पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स के साथ कम्प्लाइंस इंश्योर किया जा सके दुबई में एक साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की एवरेज मंथली सैलरी सिक्स थाउजेंड ग्राम है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट ये एक रोल है जो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम और नेटवर्क की सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए सोल्यूशन या मेजर्स को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करता है एक साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट रिस्पॉन्बल होता है मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी जैसे की फायर वॉल एंटी वायरस सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को कंफिगर और मेंटेन रखने के लिए साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट दूसरे स्टाफ मेंबर्स को सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर्स पर गाइड और सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है दुबई में साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की एवरेज मंथली सैलरी सेवन थाउजेंड ग्राम है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट ये वो रोल है जो क्लाइंट्स को उनकी सिक्योरिटी पॉस्चर को बेहतर बनाने और उनके साइबर रिस्क को कम करने पर एक्सपर्ट एडवाइस और रिकमेंडेशन देते हैं साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइंट्स के सिस्टम्स और नेटवर्क्स पर सिक्योरिटी असमेंट ऑडिट्स और रिव्यूज करने के लिए ताकि गैप्स वीकनेसेस और वलनरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जा सके साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट क्लाइंट्स की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, स्ट्रेटजीज और प्लान्स भी डेवलप और डिलीवर करता है दुबई में साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट की एवरेज मंथली सैलरी नाइन दिरहम में। है साइबर सिक्योरिटी मैनेजर ये वो मैनेजर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक टीम के सिक्योरिटी ऑपरेशंस और एक्टिविटीज को ओवरसी और मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं साइबर सिक्योरिटी मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है सिक्योरिटी पॉलिसी और स्टैंडर्ड्स को सेट और इन्फोर्स करने रिसोर्सेज को एलोकेट और मैनेज करने स्टाफ को कोऑर्डिनेट और सुपरवाइज करने सिक्योरिटी परफॉर्मेंस और इश्यूज को रिपोर्ट और कम्युनिकेट करने और लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लायस को इंश्योर करने में दुबई में साइबर सिक्योरिटी मैनेजर की एवरेज मंथली सैलरी ट्वेंटी थाउजेंड बात करते हैं की आप दुबई में साइबर सिक्योरिटी जॉब को कैसे ढूंढ सकते हैं और उन पर अप्लाई कर सकते हैं इन जॉब पर अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे की ऑनलाइन जॉब पोर्टल ये वो वेबसाइट्स है जिन पर एम्प्लॉयर अपनी जॉब को एडवर्टाइज करते हैं आप वहाँ पर जाकर जॉब को सर्च कर सकते हैं और उन पर अप्लाई कर सकते हैं दुबई में मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स ये है लिंक जॉब्स इंडी डॉट कॉम डोबेल डॉट काम नौकरी गर्ल्स डॉट काम बेट डॉट कॉम गर्ल्फ टैलेंट डॉट काम नंबर टू नेटवर्किंग इवेंट ये वो इवेंट्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स एक्सपर्ट्स और एम्प्लॉयर्स को एक जगह जमा करते हैं आप इन इवेंट्स में जा सकते हैं और वहाँ जाकर नेटवर्किंग कर सकते हैं नंबर थ्री रेफरल्स आपको चाहिए कि अपने कॉन्टेक्ट अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में और कॉलिग्स वगैरह में देखें कि जो लोग दुबई में साइबर सिक्योरिटी में काम करते हैं अगर उनको कोई जॉब मालूम हो तो उनसे अपनी जॉब के बारे में बात करें ये कुछ तरीके हैं जिनके जरिए आप जॉब्स को सर्च कर सकते हैं उसके बाद अपनी सीवी को बहुत अच्छे से अपडेट करें और फिर जॉब्स पर अप्लाई करें अगर आप जानना चाहते हैं कि दुबई में किस तरह की सीवी काम करती है और उनको कैसे बनाया जाता है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं इसी तरह इंटरव्यू की भी बहुत अच्छे से तैयारी करें और अगर आप जानना चाहते हैं की दुबई में किस किस तरह के इंटरव्यूज होते हैं और उनमें कैसे सक्सेस हासिल की जाती है तो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं मुझे उम्मीद है की आपको ये वीडियो इनफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी अगर अगर ऐसा है तो प्लीज इस, इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो तो दुबई में साइबर सिक्योरिटी की जॉब को हासिल करना चाहते हैं इसी तरह अगर आपके पास कोई क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट में जरूर बताए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी बाय